और ये लोग हैं चखने वाले, जो खाना उधर बना हुआ है ये लोग चख रहे थे कि कैसे बना हुआ है। अच्छा बना हुआ था ना खाना, बहुत अच्छा बना था। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पुष्पा रावत, मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत गांव कोटमा से, और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पुष्पा रावत ब्लॉग्स में। दोस्तों आप लोग कैसे हो, आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी शाम के 3:30 हो रहे हैं और मेरा वीडियो अब जाके स्टार्ट हुआ है, अब जाके शुरू हुआ है। और अभी मैं तैयार हो रही हूँ, अब तैयार होती हूँ मैं एक बार, और मैं जा रही हूँ शादी में। आज इधर मेहंदी है तो मेहंदी में जा रही हूँ। मेहंदी में आज खाना बनाने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहाड़ों में ऐसे रोटी बनाने जाना पड़ता है, कोई हलवाई वगैरह नहीं होता है, बाहर से किसी को नहीं बुलाते हैं खाना बनाने के लिए, तो गांव के सब मिलजुल कर बनाते हैं। तो मैं भी वहीं जा रही हूँ और आप लोगों को भी ले चलूँगी। तो चलिए एक बार तैयार होती हूँ फटाफट से, तो फिर मिलती हूँ। तो दोस्तों मैं एकदम तैयार हो चुकी हूँ और मैं तैयार होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ, 2-3 मिनट ही लगते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा छुटियाँ भी नहीं बनाती हूँ, बाद भी सिंपल यहाँ पर मूड़ा बनाती हूँ और फटाफट से तैयार होती हूँ। तो चलिए चलते हैं, और एक बार बर्तन भी रख लेती हूँ, बर्तन में टिफिन वगैरह, क्योंकि यहाँ पड़ोसा लाते हैं ना, तो पड़ोसा लाने के लिए साथ में टिफिन भी ले जाना पड़ता है, तो वो भी साथ में रख लेती हूँ। और उनको रखूँगी मैं नीचे अनीता लोगों के घर पर, तो वहाँ से नज़दीक है ना, वहाँ जहाँ शादी हो रही, तो वहाँ से जल्दी से आएंगे हम, फिर पहले खाना बनाएंगे फिर आएंगे लेने बर्तन। तो चलिए चलते हैं। और मैं अब आ गई हूँ सविता के घर में, और सविता तो रिसू भी तैयार नहीं हुआ अभी, और सविता को देखो अभी कपड़े ही ढूंढ रही है। यहाँ पे देखो छोटा रियांश, और रियांश बाबा कपड़े ऐसे तह करके रखे इसने, क्या बोला जफू क्या उठा सो और अब सविता भी आ चुकी है, बड़ी मुश्किल से तैयार हुई है सविता, तो चलिए चलते हैं जी। और हम लोगों ने वहाँ पे जाना है रोटी बनाने के लिए, और शादी है यहाँ पे, जहाँ पे ये टेंट दिख रहा है वहीं यहाँ पे रोड है, रोड में ही टेंट लगा हुआ है उन लोगों का। तो यहाँ सामने पे जाते हैं एक बार, फिर मिलते हैं आपको। अब हो गए हमारे मोहल्ले के एक और हमारे साथ जुड़ गए हैं रोटी बनाने के लिए मम्मी। और हम लोग लेट से पहुंचे हैं, ये लोग तो बनाने लग गए हैं रोटी, और फर्स्ट इन्हीं का चूल्हा लगा हुआ है, और एक वहां पे लगा दिया है चूल्हा, और वहां दूसरे चूल्हे पे तो वो लोग बैठेंगे, और हमारा चूल्हा तो अभी पता नहीं कब लगता। और वहाँ ऊपर दाल सब्जी और हलवा वगैरह बना रहे हैं, तो अगर मैं वहाँ जाऊँगी चूल्हे के आसपास तो आप लोगों को भी दिखाऊँगी कैसे बना रहे हैं वो लोग। सो गाइस यहाँ पे ना खाने की तैयारी हो रही थी, और ये जो गेडू है ना इसमें दाल रखी हुई थी, इसी में पहाड़ों में इसी पे दाल बनाते हैं, और यहाँ पे ये सूजी बन रही थी। येलो दिखे राजन ने येलो क्या झिनमरना विशेष कारीगर पूरी बनाने के लिए है। बोल कुछ बोल, दी वीडियो बना, वीडियो बना। और यहाँ पे हमारा पहाड़ी चूल्हा तैयार हो चुका है अब, और यहाँ पे हम 4 लोग रोटी बनाएंगे। फाइनल लुक तैयार करा तुम और हम लोगों का चूल्हा अब हो रहा है तैयार, और ये तो इन्होंने तो कितनी सारी रोटी बना दी हैं, ये देखो। हाँ
तो दोस्तों अब यहाँ पे परोसा ले जाने लग गए थे लोग। ये लोग हैं मजेरा के, ये दूर के गांव के हैं, तो ये जल्दी जाने लग गए थे। और हम लोगों का तो रोटी का कार्यक्रम अभी चल ही रहा था, रोटी बना ही रहे थे, तो ये परोसा मांग रहे थे। और यहाँ पे सबकी ड्यूटी लगी हुई है, यहाँ पे ये पूरी दे रहे हैं और ये दे रहे हैं यहाँ पे दाल, और वहाँ पे इस पे जो दाल बनी होगी इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं और फिर दे रहे हैं लोगों को परोसा। और यहाँ पे ससुर जी के पास है ड्यूटी रोटी देने की, और देवर जी की ड्यूटी है सूजी देने की, और यहाँ पे इनकी ड्यूटी है पनीर देने की, और देवर जी की ड्यूटी है सब्जी देने की। अब बाकी ससुर जी तो देख रहे हैं। ससुर जी यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं कि ठीक ठाक दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। पहाड़ों में तो ऐसे ही होता है, सब मिल बांट कर ऐसे ही काम करते हैं और पूरे सहयोग से ऐसे खाना भी ऐसे ही बांटते हैं, कोई टेंट वेंट सिस्टम नहीं होता है। और ये लोग हैं चखने वाले, जो खाना उधर बना हुआ है ये लोग चख रहे थे कि कैसे बना हुआ है। अच्छा बना हुआ था ना खाना, बहुत अच्छा बना हुआ था। आप लोग वीडियो देखते हैं पक्का, या केवल कैमरे के सामने बोल रहे हैं? आप भी देखते हैं? अरे नहीं, देखते हैं। ये झूठे बोल रहे हैं, झूठे हैं ये। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप जो वीडियो देखते हैं और मुझे सपोर्ट कीजिए, है ठीक है ना, सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करेंगे ना आप लोग। थैंक यू, ओके थैंक यू। और कुछ लोग तो चले गए जो दूर के गांव वाले थे, वो लोग तो चले गए, और हम लोग हैं नज़दीक वाले, हम लोग अभी यहीं हैं। और अभी यहाँ पे ना छोटे छोटे बच्चे भी आ गए हैं रोटी बनाने के लिए। और दिया बोल कुछ, साधना कुछ बोल रहे हैं? साधना बहुत अच्छी रोटी बना रही है, दिया बहुत अच्छे गोले बना रही है। ये देखो अब आ गए आईजी की चाची जी, शादी है ना, अच्छा लग रहा है ना। आईजी की देखो, आईजी की फ्रॉक देखो तो जरा अपनी फ्रॉक, वाह 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 वाह, कितनी सुंदर फ्रॉक है, देख लगी का बस लीजिए, बस आप जरा डांस करो तो मैडम जी, हम भी आओ। अच्छा छोटे बच्चे कह रहे हैं या मैं भी दिखाओ, बोलो ना कुछ कुछ बोलो ना, बोलने ना खाली आईजी तो बोल रहे हैं। हम यहाँ पे शादी का आनंद ले रहे हैं आज। सो गाइज यहाँ पे ना दिया कह रही थी कि मुझे भी कैमरा दो, ट्राइपॉड दो, मैं भी वीडियो बनाती हूँ। तो मैंने कहा लैप पकड़ कैमरा पकड़, और एक्सप्लेन भी कर रही कि क्या दिखाना चाह रही है, बट वो नहीं कर पा रही, बोली थी क्या बोलना है। सो गाइज हम लोग अंजलि के घर पे पहुंच गए थे, अब काफ़ी अंधेरा हो गया था, तो रास्ते में आते समय मैंने कुछ भी सूट नहीं किया। और ये लोग यहाँ पे सब बैठे हुए थे, और मुझे ना ये आवाज़ बंद करनी पड़ी जो मैंने पहले किया रिकॉर्ड किया था, क्योंकि पीछे से डीजे की आवाज़ बहुत आ रही थी, तो मैंने इसलिए बंद कर दी थी। और यहाँ पे अंजलि लोगों ने मिर्च वगैरह भी बाहर पे रखी हुई थी, क्योंकि आजकल मौसम ठीक है ना, उस वजह से। और यहाँ पे भी सोंटे भी रखे हुए थे, सोंटे भी निकाल दिए हैं इन लोगों ने, ये सब बाहर ही पे रखा था रात को। और ये है अंजलि लोगों का किचन, हमारे पहाड़ी किचन ऐसे ही होते हैं। और यहाँ पे जी बना रहे थे हमारे लिए चाय। सो गाइस मैं घर आ गई थी, अब कम से कम 8:30 हो गया है, और मैंने खाना जो खाना लाई थी साथ में वो भी खा दिया है। और क्योंकि मैंने अभी वीडियो एडिट भी करनी है ना, और जो मैंने वीडियो बनाई तो उसी को एडिट करूँगी मैं। और अब वहाँ चल रहा है मेहंदी का प्रोग्राम, और मेहंदी में तो रात में मैं अकेले किसके साथ जाऊँगी, इधर से कोई नहीं जा रहे हैं, दीदी लोग भी नहीं जा रही, क्योंकि दीदी भी दिन में काम पे लगी हुई थी, अब तो थक गई होगी, तो नहीं जाएंगे हम लोग मेहंदी में। और आप लोगों को तो पहाड़ी शादी में मिलता ही है मेहंदी का कार्यक्रम देखने को, अगर मुझे भी कभी ऐसी ही रात को मेहंदी के प्रोग्राम में जाने का मौका मिला तो मैं ज़रूर आप लोगों के बीच भी शेयर करूँगी। और तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं पुष्पा रावत मिलती हूँ आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।